मैं निवेदन में मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं उत्तान जानु संचालन क्रिया, जो कि हमारे कमर, घुटने और एड़ी टखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम सीधा आते हैं। इसका प्रिपेरेटरी पोज है दंडासन। हम इस तरह से ऐसे आ जाएंगे, धीरे 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 ये दंडासन होता है। यहाँ हम धीरे से अपने दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे, ऐसे ऐसे इसे पूरा बॉडी के साथ सटा लेंगे ये, और ऐसे ऐसे जितना उठ रहा ऐसे उठाएंगे। ऐसे ध्यान रहे हमारा ये कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, नाक, ये सब एक सीध में हो। मैं बात करने के लिए मुड़ रहा हूँ, आपको मुड़ना नहीं है, आपको सीधा ही रहना है। ऐसे उठा लिए, ये पूरा उठाइए, उठाइए 6 times ऐसे। इसी तरह से पैर बदल के पूरा सटा लीजिए। ये जानु संचालन क्रिया है। जानु मतलब होता है मित्रों घुटना, नी, और यही नी को हम एक्टिव कर रहे हैं, यहाँ के मसल को एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और इसमें स्ट्रेंथ आएगा, सभी तरह की विकार जो घुटने की होती है सब खत्म हो जाएगा। इसी जानु संचालन का ही एक वेरिएंट मैं बता रहा हूं। ये जो हम ऐसे उठा रहे थे, ये हम उठा के रखेंगे ऐसे, ये फिक्स हो गया, अब इसे उठाएंगे, ये स्टैटिक रहेगा और इसे मूव कराएंगे ये 6 times। ये इसे जितना हम खींच के रख सकते हैं, ये इसी तरह से पैर बदल के जानु संचालन क्रिया का दूसरा वेरिएंट है। इस पैर को फिक्स और इससे उठाएंगे। मिनिमम करेंगे, इस तरह से 6 times का एक सेट हुआ, 6 reps। इस तरह से आप 3 sets कर सकते हैं। ये करने से आपके घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये सब खत्म हो जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में